हेलो सन मून एंड राइजिंग सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है जून 2023 की, और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आपसे फुल मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कल लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए फॉर मंथ ऑफ जून 2023। जून 2023 में सेजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं। चैरियट, आपको आपको अगर लगता था कि आपकी लाइफ मूव फॉरवर्ड नहीं करी, तो अब वो मूव फॉरवर्ड करने लग सकती है इन मंथ ऑफ जून से, और कुछ किसी चीज़ में सक्सेस भी मिल सकती है। चैरियट के कार्ड के साथ मैंने ये आपके लिए प्रेडिक्ट किया। सो लेट्स सी कि सेजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं जून मंथ में। ओके, हीलिंग्स, स्टेबिलिटी, हीलिंग्स, सब कुछ। टू ऑफ कप्स, लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं फॉर सेजिटेरियस। What are messages for Sagittarius for month of June 2023? What are messages for Sagittarius for month of June 2023? What are messages for Sagittarius for month of June 2023? ओके, अंडरनीथ में आपके पास है फोर ऑफ कप, किंग ऑफ कप। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएं और अपनी लव लाइफ के हवाले से, आप जो है जस्ट जो सोलमेट चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई फ्लिंग नहीं चाहते, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते जिसमें लोग जैसे आपका फ़ायदा उठाएं और शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स रखें। और इसके अलावा आप थोड़े से डिटैच फील कर सकते हैं अपने पार्टनर से। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं और नो इंटरेस्ट शो कर सकते हैं फॉर द पर्सन जो आपसे बहुत ज़्यादा लव करता है, और अपनी इमोशंस को आप सप्रेस कर सकते हैं इन मंथ ऑफ जून में। या जो पहले आपसे नो इंटरेस्ट शो कर रहा था जो पर्सन, वो आपके पास आ सकता है और अपने लव कन्फेस कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है। डेविल, अनहेल्दी सिचुएशन है आपके इर्द गिर्द, अराउंड में आपकी जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा अनहेल्दी आपके लिए हो सकता है। बट आपके लिए चैलेंज है कि इस अनहेल्दी इन्वायरमेंट में अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना के कैसे उभार सकते हैं, तो ये आपके लिए एक चैलेंज है। बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट है आपके इर्द गिर्द, और उसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। इसके अलावा कोई अनहेल्दी बाउंडेज है, किसी आप ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिसमें आप कोई अटैचमेंट्स हैं जो कि आपको मूव ऑन नहीं करने दे रही अपनी लाइफ में, तो उसमें ही आपको स्ट्रेंथ बनाना, उस सिचुएशन में स्ट्रेंथ बनाना थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है। यस, क्राइंग ओवरनाइट, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है। आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं, बैलेंसिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो। आप स्टॉक कर रहे हैं किसी पर्सन को, आप लुक फॉरवर्ड करें कि सिचुएशंस बेहतर हो जाएं। और आप इस एंजाइटी से निकलना चाहते हैं। स्टार्ट ऑफ द मंथ में आप सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए जो है वेट कर रहे हैं, या स्टॉक कर सकते हैं अपने पर्सन को, कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में जा सकते हैं, क्राई कर सकते हैं, क्राई ओवरनाइट। आपको रातों की नींद जो है वो थोड़ी सी आपको मुश्किल हो सकती है, बट यहाँ पर आप ब्लॉक
या अनब्लॉक वाली सिचुएशन में हैं और स्टॉक कर सकते हैं अपने पर्सन को, या कोई पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है आपके लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आपको क्लैरिटी चाहिए, आप किसी बात की क्लैरिटी चाहते हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं स्टार्ट ऑफ द मंथ में, और आपको आप इस एंजाइटी से निकलने के लिए जो है अपने किसी न्यूज़ का वेट करें ताकि आप इससे निकल सकें और इस अनहेल्दी इन्वायरमेंट से बाहर निकल सकें और अपने आप को किसी हद तक स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। आप अपने अंदर की जो बेचैनी है वो किसी को दिखा नहीं रहे कि आप कितने परेशान हैं। आप अपने लिए बैलेंस चाहते हैं और कोई क्लैरिटी चाहते हैं, कोई कम्युनिकेशन चाहते हैं अपने पर्सन की तरफ से, कोई कन्फेशन चाहते हैं जो कि वो कन्फेस नहीं कर रहे हैं, वो कन्फेशन आप चाहते हैं उस पर्सन से, आप चाहते हैं कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करें, जो उनके दिल में है वो आपको बताएं, सच बताएं, तो आप किसी सच का वेट कर रहे हैं। और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो सकता है इन मंथ ऑफ जून में, वो रिग्रेट कर सकते हैं, ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। कोई एक पर्सन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है, आपके लिए रो रहा है और वो आपको स्टॉक कर रहा है स्टार्ट ऑफ द मंथ में, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, बट ज़्यादातर मुझे आपके पार्टनर की लगती है कि वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, लॉस में जा रहे हैं, वो स्टिल आपसे लव करते हैं बट आपको अप्रोच करना उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। पर एंड ऑफ द मंथ में आप जो है मूव फॉरवर्ड करते, आपको एक स्टेबिलिटी मिल सकती है, कमिटमेंट और स्टेबिलिटी आ सकती है उस पर्सन की तरफ से और आप उस पर्सन के साथ मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है इट्स मीन कि आपके लिए ये एडवाइस है और आप होप भी कर रहे हैं कि वो पर्सन आपके लिए कोई एक्शन ले। और वो आपके लिए एक्शन ले और ये आपके लिए भी एडवाइस हो सकती है कि आप अपने लाइफ में एक मेजोर पर्सन की तरह अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए एक्शन लें। वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो सकते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा होप करें कि वो आपको एडमायर करें बहुत ज़्यादा। जस्ट टेकिंग स्टेप आपके लिए एडवाइस है कि आपको स्टेप लेने हैं अपने लिए, या वो पर्सन आपके लिए स्टेप ले सकते हैं, या आपकी विश है कि आप वो पर्सन आपके लिए स्टेप लें, या आपको एडवाइस की जा रही है कि आप अपने लिए स्टेप लें। देखते हैं कि रोमांस एंजल ओरेकल मैसेजेस से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक अ रोमांटिक जेस्चर। सो आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपना रोमांटिक जेस्चर शो करना चाहिए उस पर्सन के लिए, जैसे मैंने कहा कि स्टेप लेना है आपको, अपना रोमांटिक जेस्चर शो करें उस पर्सन को। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। सेपरेशन टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन हराइजन। तो यहाँ पर टाइम सेपरेशन का टाइम जो है वो आपके लिए है क्योंकि कुछ आपको सिखाना चाह लाइक यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाह रही है कि आप बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री उस पर्सन के साथ फील करते हैं और आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहिए। तो ये सेपरेशन टाइम आपको ये बता रहे थे कि आपकी उस पर्सन के साथ कितनी केमिस्ट्री है, आप कितने फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, इमोशनली अट्रैक्टेड हैं उस पर्सन के लिए, और वो पर्सन आपकी लाइफ में कितना अहम है। ये सेपरेशन टाइम आपको ये सिखा रहा है या फिर उनको ये सिखा रहा है, तो ही जाके एंड ऑफ द मंथ में कोई रिजॉल्वमेंट या कमिटमेंट आपको मिल सकती है उस पर्सन की तरफ से। ये कोई कैंसर साइन भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं। सो लेट्स सी के मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आज चाहते हैं कि वो पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करे बट वो पर्सन रिग्रेट में है, अभी तक आपको लॉस करके बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है।
हैव फेथ इन योर ड्रीम, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उन पे अपना फेथ रखें, ज़रूर पूरे होंगे। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, सो आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिल सकती है। जैसे मैंने कहा कि चैरियट कार्ड के साथ आपको सक्सेस मिल सकती है, तो अगर आप किसी पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, एनजाइटी में थे वो पर्सन आपके लिए, और आप उस पर्सन के लिए एनजाइटी में थे और आप स्टॉक कर रहे थे उस पर्सन को, और आपको बहुत अनहेल्दी लग रहा था ये सब कुछ, ये इंतज़ार और ये सब कुछ आपने लिए जस्टिस चाहते थे, तो वो जस्टिस आपको मिलेगी इन द एंड ऑफ द मंथ में फ्रॉम दैट पर्सन। तो वो पर्सन हो सकता है कम बैक कर लें, आपको कमिटमेंट दें जैसा आपने फ़ील किया, वो हो सकता है एंड ऑफ द मंथ में वैसा वो फील करें और आपके पास आएँ और आपको कमिटमेंट दें, या फिर आपके साथ अपनी लाइफ को मूव ऑन करना चाहें। सो दैट वॉज योर रीडिंग। इफ इट इज़ रिजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।